जब आपने कैलकुलेशंस करनी हैं तो अब सबसे पहले आपने सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी पी और एनपीवी की डेफिनेशन को कोटा लगा लेना है और इनको समझ लेना ये क्या होती हैं जैसे मैंने पिछली वीडियोस पर बताया सबसे पहले हम करते हैं सेंसिटिविटी तो सेंसिटिविटी की डेफिनेशन अपने माइंड में रिवाइज करो इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए पॉजिटिव टेस्ट इन ए डिजीज पॉपुलेशन दंबर ऑफ टाइम्स इट स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव इन ए डिजीज पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड एज सेंसटिविटी हमने स्क्रीनिंग टेस्ट लिया था और एक डिजीज पॉपुलेशन पर लगाया था जितनी मरतबा वो पॉजिटिव आया दैट इज सेंसिटिविटी अब इस डाटा पे देखो इसमें यह जो कॉलम है दैट इज़ दालम फॉर डिजीज पॉपुलेशन ठीक है अब इस डेफिनेशन को आपने नूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है नंबर ऑफ टाइम ए टेस्ट कम्स पॉजिटिव इन ए डिजीज पॉपुलेशन कितनी मरतबा एक डिजीज पॉपुलेशन में जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है तो ये सिंपली स्पीकिंग फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है परसेंटेज नहीं निकालते नंबर गेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर तो हमारा टेस्ट जो पॉजिटिव है वो किधर है इस इस कॉलम को अब आपने फोकस करना है सेंसिटिविटी निकालनी है तो सेंसिटिविटी हम निकालते होते हैं डिजीज पॉपुलेशन में ठीक है तो आपने डिजीज पॉपुलेशन के कॉलम को फोकस करना है अब इस पॉपुलेशन में हमने देखना ये है कि कितनी मरतबा हमारा टेस्ट आया है पॉजिटिव ठीक है नंबर ऑफ टाइम स्क्रीनिंग टेस्ट कम्स पॉजिटिव इन अ डिजीज पॉपुलेशन तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे नंबर गेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स परसेंटेज आप कैसे निकालते हो नंबर गेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स तो टोटल मार्क्स यहाँ पे क्या है टोटल डिजीज पॉपुलेशन दैट इज़ ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इट इज़ दी टोटल डिजीज पॉपुलेशन तो इस टोटल डिजीज़ पॉपुलेशन में टेस्ट कितनी मरतबा पॉजिटिव आया है इन टोटल नंबर में से आपने कितनी मरतबा इन टोटल मार्क्स में से आपने कितने मार्क्स लिए हैं आपके गेन मार्क्स क्या हैं इस टोटल डिजीज पॉपुलेशन में आपके टेस्ट कितनी मरतबा पॉजिटिव आए हैं तो जो आपके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं वो हैं टी पी ये जो एफ एन है फॉल्स नेगेटिव है ये तो सारे के सारे हैं टेस्ट नेगेटिव तो आप सिंपली स्पीकिंग क्या करोगे टी पी डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन टोटल डिजीज पॉपुलेशन ठीक है टी पी इज़ योर टेस्ट पॉजिटिव और ये है आपकी डिजीज पॉपुलेशन ठीक है इसको रिपीट करते हैं सेंसिटिविटी क्या होती है नंबर ऑफ टाइम्स ए स्क्रीनिंग टेस्ट कम्स पॉजिटिव इन ए डिजीज़ पॉपुलेशन आपने डिजीज पॉपुलेशन को फोकस किया डिजीज़ पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास ये है जी टी पी प्लस एफ एन है दिस इज डिजीज पॉपुलेशन अब आपका टेस्ट कितनी मरतबा पॉजिटिव आया इतनी मरतबा पॉजिटिव आया ठीक है तो दीज आर योर गेन मार्क्स एंड दीज आर योर टोटल मार्क्स तो इनका सिंपली स्पीकिंग परसेंटेज निकाल दो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ठीक है सो दैट इज़ योर सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टाइम्स इट टेस्ट कम पॉजिटिव इन अ डिजीज़ पॉपुलेशन दैट इज सेंसिटिविटी दैट इज सेंसिटिविटी ठीक है तो दिस इज़ सेंसिटिविटी ये सेंसिटिविटी का फार्मूला है अब आ गई बात यह सेंसिटिविटी हो गई अब बात आ गई स्पेसिफिसिटी की उधर फार्मूला तो लिखा लेकिन हम नहीं जाएंगे हमने ड्रड्यूस करना है ताकि आपके जहनों में ये नक्श हो जाए बात अब स्क्रीन uh, वो क्या होती है स्पेसिफिसिटी क्या होती है स्पेसिफिसिटी ये होती है कि नंबर ऑफ टाइम्स इट टेस्ट कम नेगेटिव इन नॉन डिजीज पॉपुलेशन तो स्पेसिफिसिटी के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं नॉन डिजीज पॉपुलेशन को तो ये है आपकी नॉन डिजीज पॉपुलेशन ठीक है इसको हाईलाइट कर लो दिस इज़ नॉन डिजीज पॉपुलेशन ठीक है अब आपने निकालने हैं अपने परसेंटेज मार्क्स तो नॉन डिजीज पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है दैट इज़ टी एन प्लस एफ पी दिस इज़ नॉन डिजीज पॉपुलेशन स्पेसिफिसिटी क्या होती है नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट कम नेगेटिव इन ए नॉन डिजीज पॉपुलेशन तो नॉन डिजीज पॉपुलेशन है ये अब हमारा टेस्ट नेगेटिव कितनी मरतबा आया इतनी मरतबा आया टी एन इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स आर टेस्ट कम्स नेगेटिव सो स्पेसिफिसिटी क्या होगी दैट इज टी एन डिवाइड बाय नॉन डिजीज पॉपुलेशन स्पेसिफिसिटी क्या हो जाएगी टी एन डिवाइड बाय नॉन डिजीज पॉपुलेशन नंबर ऑफ टाइम्स इट टेस्ट कम जस्ट अ मिनट सो नंबर ऑफ टाइम्स इट टेस्ट कम्स नेगेटिव इन ए नॉन डिजिजड पॉपुलेशन दैट इज़ स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी क्या थी सेंसिटिविटी थी नंबर ऑफ टाइम्स इट टेस्ट कम्स पॉजिटिव इन ए डिजीज पॉपुलेशन और स्पेसिफिसिटी क्या है नंबर ऑफ टाइम्स इट टेस्ट कम्स नेगेटिव इन ए नॉन डिजीज पॉपुलेशन ठीक है सो दिस इज स्पेसिफिसिटी अब हम चलते हैं पॉजिटिव वैल्यू की तरफ